जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, आपके सारे दुख दर्द दूर हों और आपके जीवन में भारे और ढेर सारी खुशियां भी आएं। बंधु, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि के दिसंबर माह के भविष्य फल के बारे में। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको प्रत्येक राशि के अनुसार आने वाले नए साल में करियर के लिहाज से होने वाले सभी परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। तो बंधुओं, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबाएं और ऑल जरूर से सिलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी जरूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में ही आपको हमारे एक और वीडियो की लिंक दिखाई दे रही होगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर आएगा। वर्ष 2021 के दौरान पेशे के संदर्भ में सिंह राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इस पूरे साल आपके छठे घर में अनुशासन और कड़ी मेहनत के स्वामी माने जाने वाले शनि की उपस्थिति और आपके दसवें घर में कूटनीतिक और चतुर्य से संबंधित माने जाने वाले केतु ग्रह की उपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि इस पूरे साल आप अपनी पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा आपके पृथ्वी तत्व राशियों में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जो आपको कार्यस्थल पर पहचान और सम्मान दिलाने में मददगार रहेगी। हालांकि आपके छठे घर में लाभकारी ग्रह बृहस्पति की उपस्थिति दुश्मनों के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जनवरी से 13 अप्रैल तक और फिर नवंबर से साल के अंत तक इस दौरान वो आपको हानि पहुंचाने, आपको नीचे गिराने या आपको किसी वाद विवाद में डालने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस समय के दौरान सावधान और सतर्कता बनाए रखें। आपके लिए साल की शुरुआत भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह के रूप में मंगल आपके भाग्य के नौवें घर में स्थित रहने वाला है, जहां से वो अपने मजबूत घर दसवें और ग्यारहवें घर की तरफ बढ़ेगा। हालांकि जुलाई महीने के मध्य से अगस्त के मध्य तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके पेशेवर जीवन पर भी पड़ सकता है। जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, इन महीनों के दौरान यात्रा करने से बिल्कुल बचें। इन यात्राओं से केवल आपके मानसिक तनाव और परेशानियों में वृद्धि होने के आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेशेवर दृष्टि से आपके लिए यह साल काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर इस राशि के व्यवसाय जातकों की, तो उन्हें इस वर्ष 2021 के दौरान औसत दर्ज के परिणामों से संतोष करना पड़ सकता है। करियर भविष्यवाणी 2021 के अनुसार इस वर्ष के अधिकतम भाग के दौरान आपके केंद्र स्थानों में कोई ग्रह नहीं होंगे, जिस बात की तरफ इशारा करता है कि किसी भी नई काम की शुरुआत या कहीं भी निवेश करने के लिए यह साल उपयुक्त आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस साल निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बल्कि आप चाहें तो इस साल का सदुपयोग अपनी पुरानी गलतियों से सीखने में, अपने पिछले निवेशों को मजबूत करने में और आने वाले साल के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में कर सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पितातुल्य इंसान से सलाह अवश्य ले लें। सिंह राशि फल 2021 के अनुसार यह साल सिंह जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए काफी अच्छा जाने की उम्मीदें हैं। इस साल आपकी अचानक से तरक्की होने का भी योग बन रहा है। हालांकि अप्रैल और मई के बीच का समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। यूं तो आर्थिक दृष्टि के लिहाज से ये साल आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन ढंग से किया जाए अगर कोई काम हो तो अगस्त से अक्टूबर के बीच आप धन संचित कर पाने में भी सफल रहेंगे। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस साल काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस साल सिंह जातकों को हाथ, पेट और गुर्दों के संबंधित बीमारियां परेशानी दे सकती हैं। सिंह राशि के लिए सिंह करियर राशि फल 2021 बहुत अच्छा होने के संकेत कर रहा है। साल का पहला महीना यानी जनवरी में सूर्य करियर के स्वामी बुध के साथ धनु राशि में रहेंगे। इसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही बृहस्पति का शनि के साथ त्रिकोण में जाकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना व्यापार के लिए बेहद अच्छा समय रहने वाला रहेगा। सिंह करियर राशिफल 2021 के मुताबिक पहले तिमाही के दूसरे चरण यानी फरवरी के चार ग्रहों का एक चतुर्थी ग्रह राजयोग बनाना नौकरी पेशा और व्यवसाय वालों के लिए अति उत्तम साबित होगा। व्यापार का विस्तार होने की संभावनाएं हैं और पैसे के नए स्रोत खुल सकते हैं। वहीं मार्च का महीना करियर के मामले में बेहतरीन रहेगा। सिंह राशि के जातक ऊर्जा से भरे रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति, मान सम्मान, यश और इंक्रीमेंट मिलने की भी संभावनाएं हैं। परंतु यह समय व्यापारी वर्ग के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में राहु के साथ मंगल का बैठना अंगारक योग बना देता है, जिसकी वजह से व्यापार को लेकर मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर सिंह करियर राशिफल 2021 में सिंह राशि वालों के लिए एक सफल व उन्नति वाला वर्ष रहने के संकेत दे रहा है। बंधुओं, ये था वीडियो दिसंबर माह के लिए सिंह राशि वालों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।